हाय फ्रेंड, मैं पीसी और मैं आई हूँ आज एक हैशटैग प्रॉब्लम के साथ, हैशटैग मीटू। जैसा कि सभी को पता है कि हैशटैग मीटू का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। लोग अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। अच्छा है, लोग अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक क्या सोए हुए थे? अभी तक कहाँ थे? हैशटैग मीटू के पहले किसी ने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई, किसी ने अपनी चीज़ें शेयर नहीं करी, और एक हैशटैग मीटू आते ही लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बतानी शुरू कर दी, अपनी तकलीफ शेयर करनी शुरू कर दी। मैं इन सबसे ये कहना चाहती हूँ कि क्या वो सारी तकलीफ आपकी अभी तक कम थी? क्या जो भी आपके साथ हुआ उसका पेन अभी तक कम था? जो अचानक आप लोग एकदम सो सो के जाग रहे हो, मैं ये नहीं कहती कि सारी लड़कियां गलत हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं मान सकती कि सारी लड़कियां ही सही हैं। जिन जो जो लोग अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकती कि वो सारे लोग सही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लोग नेम फेम पाने के लिए क्या क्या करते हैं। और हैशटैग मीटू वो तो बहुत फेमस है यार। मे बी जिस टाइम पर आपके साथ ये हुआ, इंटेंशनली, अनफॉर्चुनेटली या अनइंटेंशनली ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई, उस टाइम वो आपका बॉस होगा, कलीग होगा, फ्रेंड होगा, लवर होगा या नोन होगा, जो भी होगा, उस टाइम तो आपने कुछ भी नहीं बोला। देन सडनली यू रियलाइज इतने साल बाद, 6 महीने, 6 साल, 2 साल, 1 साल, 10 महीने, इनफैक्ट 1 महीने बाद यू रियलाइज कि आपको अपने बारे में बोलना चाहिए, जो आपके साथ गलत हुआ आपको कहना चाहिए, तो आपने बोल दिया। उस टाइम आप कहाँ थे? सो रहे थे? जब आपके साथ ये सारी चीजें हुई गलत, तब आपने उसको 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाए? तब सारे लोग जो वहां पर अवेलेबल थे, चाहे वो ऑफिस में आपके साथ ये हुआ या फिर घर पर हुआ, जो सारे लोग अवेलेबल थे, तो उस टाइम उन सबको क्यों नहीं पता चला कि आपके साथ ऐसा गलत हुआ? क्यों नहीं पता चला? लेकिन एक हैशटैग मीटू आया, या हो सकता है जिनके साथ आप काम कर रहे थे, जिनके आपकी फ्रेंडशिप थी, लवर था, जो भी था, उनसे आपका रिलेशन खत्म हो गया होगा, दोस्ती टूट गई होगी, लड़ाई हो गई होगी, या वो आपके इनामी बन गए होंगे, तो आपने सोचा कि चलो हैशटैग मीटू का सहारा ले लेते हैं, और आपने अपनी सारी स्टोरी हैशटैग मीटू पर डाल दी। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका, उसकी इमेज का, उसकी फैमिली में उसकी इमेज का, और जिन जिन लोगों को वो जानता है उन सब के सामने उसकी इमेज का क्या होगा? लड़के, लड़कियां, मोस्टली लड़कियां अपनी स्टोरीज डाल रहे हैं, तो जो भी लोग ये सारी चीज़ें डाल रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, तो मैं उन सब लड़कियों के साथ हूँ। लेकिन जिनके साथ ये नहीं हुआ और लोग नेम फेम के लिए डाल रहे हैं, तो मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उन सब से कहूँगी कि प्लीज़ ये सब करना बंद करें। अगर आपको नेम फेम ही चाहिए, तो अपने टैलेंट पे, अपने गट्स पे वो लो यार। किसी को बदनाम करके नेम फेम लेने का क्या मतलब है? आप सब जानते हो कि आजकल लड़के लड़कियाँ पार्टीज में ड्रिंक करते हैं, सारी लड़कियाँ नहीं, लेकिन यू नो कि मोस्टली लड़कियाँ करती हैं। तो उस टाइम हो सकता है लड़की ने ही फोर्स किया हो, या कुछ भी लड़के लड़की के बीच हुआ, तो उस दिन तो आपने कुछ नहीं कहा, उसके नेक्स्ट सुबह अगर रियली उसकी गलती थी तो आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, और सडनली हैशटैग मीटू आया तो आपको लगा अरे यार मेरे साथ उस टाइम ऐसा हुआ था, अब बोलना चाहिए, तो आपने बोल दिया। मुझे समझ नहीं आता लोग अपनी प्रॉब्लम के लिए स्टैंड खुद क्यों नहीं लेते, खुद तुरंत उस चीज़ पे खड़े होके क्यों नहीं बोलते। जैसा कि मैं जानती हूँ और आप सब जानते हैं कि जब हमें चोट लगती है, तो उस चोट का दर्द हमें 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन तक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो चोट पुरानी होती जाती है, उसका दर्द थोड़ा सा कम होता जाता है। लेकिन हैशटैग मीटू पे ये बिल्कुल भी नहीं है। हैशटैग मीटू पे लोगों की पुरानी चोटें उभर कर आ रही हैं, उनका जो पेन है, उनका जो दर्द है, उनके साथ जो भी हुआ था वो अब आ रहा है, इतने महीनों, इतने सालों बाद। उसके पहले आप कहाँ थे? आपने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मुझे देखा गया है किसी धर्म प्रचारक या किसी राजनेता, अभिनेता या कोई भी, किसी के खिलाफ भी जब कोई एक इंसान बोलना शुरू करता है, तो लाइन से सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि उसके पहले आप सब कहाँ थे? आपने 1 by 1 आवाज़ क्यों नहीं उठाई?
जब एक ने बोला तो लाइन से सारे खड़े हो गए कि हाँ मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। उसके पहले जो भी आपके साथ हुआ वो आपने क्यों नहीं बोला? उस टाइम आपको नहीं लगा कि आपको बोलना चाहिए आपके साथ गलत हुआ है, जो नहीं होना चाहिए? इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे लोगों पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और मोस्टली ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है और इंडस्ट्री से ही लोग रिलेटेड होते हैं। तो जो लोग रियल में ऐसा, जिनके साथ रियल में ऐसा हो रहा है, उनके मैं हमेशा साथ हूँ और सारी गर्ल्स पावर्स को बोलूँगी कि सारी लड़कियाँ उनके साथ रहें। लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ है, मैं उनके बिल्कुल साथ नहीं हूँ। तो ये हमारी सारी डिबेट हैशटैग मीटू की चलती रहेगी, क्योंकि जिसके साथ ये हुआ और जिसने किया, सच क्या है वो तो सिर्फ वही जानता है। हम और आप तो सिर्फ डिबेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपको हैशटैग मीटू पे मेरी ये डिबेट, मेरी ये बातें, मेरी ये थॉट अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। और आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी वो आपको खुद से ही मिलती रहे। तब तक के लिए पीसी की तरफ से बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय।